और इस वक्त सतीश उपाध्याय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे मान लिए चलते हैं। इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। दिल्ली में इस तरह की गलत तरह की राजनीति, व्यवसायियों को चोर बजाने की राजनीति अब चल नहीं सकती। आपके जो मन में आता है आप कुछ कहते हैं और आप कह करके निकल जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी आप देखिए कि उन्होंने पहले मुखी जी को सीएम घोषित कर दिया और आज अपनी प्रेस रिलीज में लिखित आया है कि सतीश उपाध्याय जब विपक्ष में नेता बन के बैठेंगे, अब नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, आशीष बैठेंगे। मुझे लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्यक्तिगत चीजों को हम कहां लेकर के जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक और मेरी कंपनी है। मैंने कहा कि मेरी 6 कंपनियां ना तो कभी मैंने बनाई ना है, नेट पर अवेलेबिलिटी है। और जो काम हमने किया है बहुत फक्र के साथ हम कहते हैं कि हम व्यवसाय करते हैं, अपने घर बार को चलाते हैं, अपनी गृहस्थी को चलाते हैं, राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है। और राजनीति में जिस तरीके का भोंडापन वो कर रहे हैं, जिस तरह से ये जो व्यक्तिगत चीजें हैं, मैं उनके परिवार की चीजें, उनके परिवार के बच्चों की चीजों को और अपनी चीजों को, मुझे लगता है कि राजनीति में इन चीजों से अलग लगना चाहिए। और आप कुछ भी करें, कुछ भी करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। अगर आपने होमवर्क किया होता, शायद पता नहीं किसने उनको दे दिया, उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं और बोला कि इन दो कंपनियों में मैक्सिमम लेन देन हुआ है, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। और उस पर यह भी साथ में लिखा कि उनका नेट पर डाटा अवेलेबल नहीं है। मैं 24 घंटे का समय उनको दे रहा हूं, अगर वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती होंगी तो निश्चित रूप से, अगर करती होंगी या तो राजनीति उनको छोड़नी पड़ेगी, दिल्ली में अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा, और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। व्हाट आई एम सेइंग इट आई मीन इट। दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कहकर के निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीजें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना चाहेंगे उसका एक एक निश्चित रूप से हम जवाब निश्चित रूप से आपको देंगे। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं क्योंकि आशीष का नाम भी उन्होंने लिया है। और क्या काम हमने किया, कितना किया, कब किया, कैसे किया, क्योंकि उसमें छात्र संघ में हम दोनों साथ हम लोगों ने काम किया है, यंग व्यवसायी हैं और यंग एंटरप्रेनर हैं। अपना काम करना, अपनी चीजें खड़ी करना, हमने बहुत गरीब मजदूरों को कुछ काम दिया होगा। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं आशीष को और उनके लिए जो आरोप हैं केजरीवाल साहब के, मैंने कहा वो कह ही रहे हैं तो 2-4 चीजें जरूर अश्विनी जी को भी कहूंगा, वो अपनी बात कह देंगे। और उनको इस बात का जवाब इस बार कल जरूर देना पड़ेगा कि हमारे जिस तरह की लिंकेज की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं, जिस तरह की मनगढ़ंत बातें वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली में कम से कम लोगों को बेवकूफ बनाना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना और सफेद झूठ बोलना, इस पर उनको जवाब इस बार जरूर देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि क्रिमिनल डिफेमेशन जिस तरीके से पहले हमने उनको नहीं छोड़ा है, हम निश्चित रूप से उनके ऊपर करेंगे। आशीष सूद, धन्यवाद। धन्यवाद। केजरीवाल साहब ने आज मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। आरोपों की प्रति आपको भी मिली होगी, इंटरनेट पे मुझे भी उपलब्ध हुई है। बहुत ज्यादा लंबी बात न कहते हुए सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, आई एम प्राउड टू बी ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड ए फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हम अपना कारोबार करते हैं। मैंने इंटरनेट पे आज देखने की कोशिश की कि केजरीवाल साहब ने अपनी वेबसाइट में अपना व्यवसाय क्या लिखा है। 2012 में किताब लिखने के बाद उन्होंने अपना जीवन यापन का जरिया अपनी वेबसाइट पे अपने करियर के बाद लिखा नहीं है, इंटरनेट पे अभी मैंने देखा था। मगर मुझे गर्व है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ मैंने किन्हीं कंपनीज के लिए, और एक कंपनी के लिए हमने काम नहीं किया है केजरीवाल साहब ने। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने के लिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने उन पर आरोप लगाया था कि उनकी 6 कंपनियां हैं सतीश उपाध्याय की और ये दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों के लिए काम करती हैं, दिल्ली में बिजली के मीटर लगाने और बदलने के लिए ये उनकी सेवाएं लेते हैं। और इस बात का जवाब दिया आज सतीश उपाध्याय ने, उन्होंने कहा कि जो कंपनियां वो बता रहे हैं उसमें से 2 कंपनियां अगर वो ये बता दें कि ये
एग्जिस्ट भी करती हैं, यानी कि ये हैं भी, तो भी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।